नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट ट्रेडिंग चैनल डॉट कॉम पर। तो आज दोस्तों बात करने वाले एक मज़ेदार टॉपिक के बारे में, काफ़ी लोग के मन में कन्फ्यूज़न है और शायद इससे आपका कुछ कंपनियों को ख़रीदने का अट्रैक्शन और बढ़ सकता है। और एक प्लस पॉइंट है, आपको एक नॉलेज और गेन होगी, एक स्टेप आप थोड़ा सा और आगे हो जाएंगे। तो बेसिकली दोस्तों हम आज बात करने वाले इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है और फाइनल डिविडेंड क्या होता है, तो दोस्तों ये बहुत एक मज़ेदार टॉपिक है। कई बार अगर आपने देखा होगा, एक बार हम बीएससी की वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है, ये हमारी बीएससी की वेबसाइट है। एनएलसी इंडिया का दोस्तों स्टॉक यहाँ पर आपको दिख रहा है, एनएलसी इंडिया का स्टॉक यहाँ हम देख रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे डिविडेंड वाले कॉलम में, जो ये वाला सीए पे आप क्लिक करते हैं, तो ये डिविडेंड वाला एक कॉलम हमें दिखाई देता है। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, जो भाई लोग मोबाइल में देख रहे हैं तो उनको थोड़ा आसानी से दिखाई दे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इंटरिम डिविडेंड यहाँ दिख रहा है आपको, फाइनल डिविडेंड दिख रहा है। तो दोस्तों इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार लोग एक कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इंटरिम डिविडेंड तो ये है जी, जो कंपनी एक एज्यूम कर रही है, एक एजम्पशन ले रही है कि भाई इतना डिविडेंड आएगा, और लेकिन फाइनल डिविडेंड बाद में मिलता है। कुछ लोगों की धारणा है ऐसी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे और कंपनी ऐसे क्यों करती है, इंटरिम डिविडेंड क्यों देती है। देखिए दोस्तों, मिलता हमें दोनों डिविडेंड है। अगर आपने किसी कंपनी का स्टॉक परचेज करा हुआ है और कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया है और आपको आपने उसे होल्ड करके रखा है, तो ये वाला डिविडेंड भी आपको मिलेगा। हो सकता है कंपनी फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दे। अगर आप देखेंगे तो 2016 में मार्च में इंटरिम डिविडेंड दिया 30 पैसे का, और फिर 2016 में नौवें महीने यानी सितंबर में फिर एक फाइनल डिविडेंड दे दिया। यानी आप कह सकते हैं कि एक साल में आपको दो बार डिविडेंड मिल गए, ठीक है, एक एक रुपया 20 पैसे का और एक आपको 30 पैसे का अप्रोक्स, ठीक है, मिलते आपको दोनों ही हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और ये क्यों कंपनी करती है ऐसा, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें होता क्या है, इंटरिम डिविडेंड एक एजम्पशन के तौर पे काम करता है। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं एक कंपनी काम कर रही है, उसको पता है कि मुझे अप्रोक्स इतना प्रॉफिट आएगा एक साल के अंदर, मुझे इतना प्रॉफिट, एक एजम्पशन के रूप में काम करती है। तो जो कंपनी की साल में दो बार एजीएम मीटिंग होती है या एक बार जो भी दो मीटिंग्स होती है, तो उसके अंदर एक डिसाइड किया जाता है, एक एजम्पशन लिया जाता है कि जी हमारा प्रॉफिट इतना रहने वाला है। तो हम एक एजम्पशन के तौर पर शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या नए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हम एक इंटरिम डिविडेंड दे देते हैं, ठीक है जी। हमें पता है कि इतना प्रॉफिट आएगा, हम ये दे सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। तो एक एजम्पशन के तौर पे इंटरिम डिविडेंड दे दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स लेकर बैठा है शेयर्स को, वो बड़ा खुश हो जाता है या 6 महीने में डिविडेंड मिल गया। और प्लस क्या है, जो इन्वेस्टर नहीं है, जो कंपनी के शेयर जिन्होंने नहीं खरीदे हुए, तो उनका अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कंपनी ऐसा करती है। क्योंकि अगर एक साल का टाइम दिया जाए, एक साल बाद डिविडेंड मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा बोरिंग पीरियड हो जाता है, ठीक है ना। अगर बीच बीच में इंटरिम डिविडेंड मिल जाता है 6-6 महीने में, 6 महीने जल्दी से निकल जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन एक साल थोड़ा सा लगता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो जाता है एक साल में। लेकिन इंटरिम डिविडेंड में थोड़ा सा अट्रैक्शन मिल जाता है कि 6 महीने में डिविडेंड मिल गया। और दोस्तों इसके अंदर एक रिस्क फैक्टर क्या होता है कंपनी के लिए, कंपनी ने एग्जेम्पशन तो ले लिया कि भाई इतना इंटरिम डिविडेंड हम दे सकते हैं, लेकिन उतना प्रॉफिट कंपनी को नहीं आया, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। प्लस क्या हो जाता है कि इंटरिम डिविडेंड तो जो उन्होंने कम दिया, लेकिन एक एग्जेम्पशन के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल गया, प्रॉफिट ज़्यादा आ गया, तो कंपनी फाइनल डिविडेंड भी दे देती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको साल में दो बार डिविडेंड भी मिलने की संभावना हो जाती है इसके अंदर। दूसरा दोस्तों इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले क्या है, हम थोड़ा सा यूएस यूके में बात कर लेते हैं कि यूके की बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो 3-3 महीने में इंटरिम डिविडेंड दे देती है, ठीक है, वो अट्रैक्शन के लिए कि 3-3 महीने में चलो डिविडेंड तो आ रहा है, कुछ तो मिल रहा है। और यूएस में भी ऐसे ही होता है, बहुत सारी कंपनियां इंटरिम डिविडेंड देती है, 6-6 महीने के टाइम पीरियड में इंटरिम डिविडेंड दे देती है, ठीक है ना, तिमाही और उसको कहते हैं छमाही और तिमाही, तो इसके अंदर डिविडेंड आपको मिल जाता है। दूसरा दोस्तों कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे, डिफरेंसेस से पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ज़रा डिफरेंसेस क्या आते हैं इसके अंदर ज़रा देखते हैं। तो बेसिक्स ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है ना, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के बीच में।
उसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो मीनिंग इसका ये है जो यहाँ इंग्लिश में लिखा है, इंटरिम डिविडेंड इज वन दैट इज डिक्लेयर्ड द पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटरिम डिविडेंड है ये डिक्लेयर किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के हाफ पीरियड में। जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर है उसके बीच वाला जो एक पार्ट होगा या 6 महीने बीतने के बाद इंटरिम डिविडेंड दे दिया जाता है, और ये दोस्तों दिया जाता है बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर। यानी ये आपको दिया जाता है फाइनल अकाउंटिंग ईयर से पहले ही, अकाउंटिंग करने से पहले ही दे दिया जाता है। कोई अकाउंटिंग नहीं होती, कोई बैलेंस शीट नहीं देखी जाती, कोई ऑडिटिंग नहीं होती है, कोई प्रॉफिट नहीं देखा जाता, एक एजम्पशन के तौर पर आपको दिया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है। फाइनल डिविडेंड की अगर हम बात करें तो फाइनल डिविडेंड बिल्कुल इसके उल्टा, फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग के बाद आपको दिया जाता है, पूरी ऑडिटिंग हो जाती है सीए के द्वारा, और सारा जो एक प्रॉफिट लॉस जो भी है, कितना पार्ट डिविडेंड के लिए देना है कंपनी को, वो सारी चीज़ जब डिक्लेयर हो जाती है तो उसके बाद फाइनल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दूसरा दोस्तों, इसकी अनाउंसमेंट किस बेस पे ही होती है? तो अगर इंटरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट की बात करें, तो अगर हम इसके अनाउंसमेंट की बात करें तो ये रिकमेंडेड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ठीक है ना? ये वाला जो हमारा पार्ट है अनाउंसमेंट वाला, ये रिकमेंडेड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और इसके अंदर जो अप्रूवल होता है, अप्रूवल मिलता है शेयर होल्डर से, ठीक है ना? रिकमेंडेड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, अप्रूवल मिलता है शेयर होल्डर से, और जो फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। इसमें शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इसको अनाउंस कर देते हैं, राइट? और इसके अंदर तीसरा कंपैरिजन आता है टाइम ऑफ डिक्लेरेशंस। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो डिक्लेरेशन की जाती है इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। जैसे मैंने कहा, एक एजम्पशन लिया जाता है कि जितना प्रॉफिट हमारा बनेगा तो हम एक सेफ हैंड से इतना डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन अगर हम फाइनल डिविडेंड की बात करें तो पूरा इसके अंदर प्रिपरेशन करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा निचोड़ निकाल के कितना प्रॉफिट आया, कितना देना है, तो उसके बाद ही दिया जाता है। तो ये दोस्तों फाइनल डिविडेंड की बात है। अब इसमें आता है रिवोकेशंस, रिवोकेशन या हम इसको रिवोक्ट कहते हैं। तो रिवोक्ट का मतलब होता है निरस्त करना या मना कर देना या रोक देना, ये सारी इसकी मीनिंग है। तो ये है कि इट कैन बी रिवोक्ड विद द कंसेंट ऑफ आवर शेयर होल्डर्स। ये कह रहा है कि ये मना किया जा सकता है या रोका जा सकता है अगर शेयर होल्डर्स राजी ना हो, ठीक है ना? अगर शेयर होल्डर्स राजी नहीं है इंटरिम डिविडेंड के लिए तो उसको मना कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। वो कह सकते हैं नहीं जी, पहले आप अपना पूरा फाइनेंशियल ईयर ओवर होने दीजिए, और ओवर होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, जो आप हिस्सा डिसाइड करेंगे, हम तो वही लेंगे। क्योंकि इंटरिम डिविडेंड कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा कम दिया जाता है। रीज़न कि कंपनी को एक रिस्क फैक्टर आता है यहाँ पर कंपनी का, कि बाय चांस कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं ले पाई तो हम कैसे करेंगे। तो एक कम अमाउंट अनाउंस होता है इंटरिम डिविडेंड में कंपैरिजन टू फाइनल डिविडेंड। इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, फाइनल डिविडेंड को कोई रोक नहीं सकता है, वो तो एक डिविडेंड है, वो तो दिया जाएगा, उसको निरस्त या कह सकते हैं रोका नहीं जा सकता। अब इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट आता है जो कि हमारा पॉइंट है अप्रोक्स फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट है। इसमें आता है रेट ऑफ डिविडेंड। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, रेट ऑफ डिविडेंड ये कंपैरिजन टू फाइनल डिविडेंड के मुकाबले हमेशा कम ही रहेगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट 10 रुपये रहने वाला है तो एग्जेम्पशन में ये ज़्यादा नहीं, 5, 6 या 7 रुपये के आसपास से ज़्यादा एग्जेम्पशन नहीं लेते। एक सेफ्टी मार्जिन लेकर के चलती है कंपनी कि बाई चांस इतना प्रॉफिट नहीं आया तो इतना तो मिनिमम आएगा ही आएगा, तो उसके हिसाब से इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है और कंपैरिजन टू लेस होता है फाइनल डिविडेंड के। तो फाइनल डिविडेंड अगर आएगा तो वो थोड़ा ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट? और देख लेते हैं लास्ट वाला पॉइंट क्या है हमारा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। भाई किस आर्टिकल से एसोसिएट होता है ये? ये दोस्तों डिक्लेयर होता है स्पेसिफाई, आप कह सकते हैं कि स्पेसिफाई परमिट्स चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनी की, उसके बाद ही आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं या परमिट कर सकते हैं। जो पूरा डिक्लेरेशन है वो इसी के हिसाब से ही अनाउंस किया जाएगा। और अगर हम फाइनल डिविडेंड की बात करें
तो इसके अंदर कोई रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट नहीं है स्पेसिफाई प्रोविजनल की या आर्टिकल्स की, ठीक है ना। कोई ऐसा आर्टिकल्स, कोई ऐसे रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है कि आपको ये करना है, इस तरीके से करना है। वो एक जो पूरा प्रोसीजर है भाई, प्रॉफिट बता दो, ऑडिटिंग हो गई, प्रॉफिट पता लग गया, और उसके बाद सीए ने बता दिया जितना प्रॉफिट्स है, फिर एक मीटिंग में, एजीएम मीटिंग में डिसाइड होगा कितना डिविडेंड देना है। तो वो डिविडेंड डिसाइड हुआ और वो सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और आपके खातों में, बैंक अकाउंट्स में वो पैसा आता है डिविडेंड का। कभी भी डीमैट अकाउंट में पैसा नहीं आएगा डिविडेंड का। डिविडेंड का जितना भी पैसा है, जिस आपके बैंक अकाउंट से आपका डीमैट अकाउंट लिंक्ड है, तो उसी के अंदर डायरेक्ट पैसा ऐड हो जाता है डिविडेंड का, ठीक है ना। और जिस कंपनी का आपने शेयर लिखा होगा, तो उसमें स्टेटमेंट में आएगा जी इस कंपनी से आपको इतना डिविडेंड आया है। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक और एक मोटा मोटा सी चीज़ है इंटरिम और फाइनल डिविडेंड के बारे में, जिसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये वीडियो शायद आपको हेल्प करेगी इंटरिम और फाइनल डिविडेंड में। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ हेल्पफुल ज़रूर रहेगा आपकी लाइफ के अंदर। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अगली वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं आप, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो दोस्तों फिर पूछिएगा। और मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।